हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और एक नए व्लॉग के साथ मैं आ चुका हूं। तो लेट्स स्टार्ट आज का व्लॉग। तो आज है पाकिस्तान का एक और मुकाबला जो कि है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा, और पाकिस्तान को आज का मैच हर हाल में जीतना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार गए हैं तो रन रेट हमारा पहले माइनस में जा रहा है और आगे जो मैचेज हैं वो सारे तकरीबन बहुत ही हार्ड हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, साउथ अफ्रीका से हो, बांग्लादेश से हो और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तो फिर आपको वैसे ही पता है। बात तो सही है। तो इस हिसाब से आज का मैच पाकिस्तान को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, तो इस वक्त तक जो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान जीत चुका है, टॉस और करने लगा है बॉलिंग। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। आज टॉस अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान ने जीत लिया है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। और देखते हैं कि आज जो हमारी प्लेइंग 11 है वो क्या है अभी, क्योंकि जब बाबर आजम साहब बोल रहे थे तब मैंने टीवी ऑन किया, लेकिन तब तक वो जा चुके थे तो मैं नहीं जान पाया क्या जो क्या चेंजिंग है। देखते हैं कि और क्या करती है हमारी पहली बॉलिंग। इसे कहते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया। क्या दुर्गत बना लिया पाकिस्तान की। अब यार 221 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं, गजब बेइज्जती है। मार्च की भी सेंचुरी, वार्नर की भी सेंचुरी, कमाल बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन यार ये क्या बॉलिंग करवा रही है हमारी, कहते हैं कि दुनिया की नंबर वन साइट है बॉलिंग की, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। अबे यार इतनी अजीबोगरीब बॉलिंग करवा रहे हैं और ये इस हालत में हम कैसे जीतेंगे मैच। अबे यार अब्दुल्ला क्या कर दिया यार, पहले कैच छोड़ दिया उसामा मीर ने, यार कमाल, ये क्या, पहले वो विकेट गिर दीजिए और जब चांस मिलती है आपको कैच छोड़ दे। तो यार ओ माय गॉड, यार शहीनशाह ग्रेट, दो बॉलों पर दो विकेट, पहले स्टार्क और दूसरे को भी आउट कर दिया यार, कमाल। अब हैट्रिक पे है हमारा शाहीन, लेकिन यार करें तो करें, पांच विकेट भी उसकी हो गई है, लेकिन अब करे तो करे क्या, शहजादा हद बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ना इस बार थोड़ा कम बैक करे, अभी भी इतना नहीं है, काफी ज्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया और अल्लाह करे बैटिंग भी अब जो है ना वो भी अच्छी करे। और हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का खात्मा और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 367 और 368 का टारगेट है। देखा जाए तो यार काफी हद तक पाकिस्तान ने रोका है, लेकिन ये टारगेट भी बहुत ज्यादा है। बात तो सही है। और देखना है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है वो क्या करती है, और जो है जैसा हिसाब खेल रहे थे मार्च और वार्नर, मार्च का ऐसा लगता था कि 400 बनेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। फाइनली मैच हुआ तमाम और पाकिस्तान ये मैच 62 रन से हार चुका है। वेरी वेल डन टीम ऑस्ट्रेलिया, पहले ग्रेट बैटिंग की और उसके बाद जनाब इन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की। लेकिन अपनी टीम को मैं यहाँ पे दा जरूर दूंगा कि काफ़ी दलेरी से लड़े, 368 रन का टारगेट था और उसको डिफेंड करना एक तरह का नामुमकिन भी था, और लेकिन फिर भी हमारी टीम यहाँ तक पहुँची। लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्लोस बन चुके थे, जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप लगी वहाँ पे फिर बाबर का जल्दी आउट हो जाना, और ख़ास करके रिजवान और इफ्तिखार अहमद की जो विकटी हैं ये दोनों अनलक्की, और दोनों माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे थे। और बस क्या करें, पाकिस्तान ये मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई। अब तो फिर ये है कि वो करें और ये होता वो होता ये होता, लेकिन एंड रिजल्ट यही निकला कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच 62 रन से जीती है। और जैम्पा ने कमाल की बॉलिंग की है, 4 शिकार उन्होंने किए, और हमारे यहाँ शाहिद शाफरीदी ने कमाल बॉलिंग की थी जिन्होंने 5 विकेट ली थी। तो अब पाकिस्तान का अगला मैच है अफगानिस्तान के साथ, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप इस व्लॉग को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर, और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्लॉग फैमिली को ज्वाइन नहीं किया वो आए, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। अपना रखें ख्याल, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।